नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में गीता सार भाई लावण्य भारद्वाज। थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है, गीता सार भाई लावण्य भारद्वाज, लगता है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम अध्याय दो के श्लोक नंबर 16 तक कर चुके थे, आज हम करेंगे श्लोक नंबर 17 से स्टार्टिंग। और मैंने जैसा कल आपको वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ज्ञात नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम है फेस्टिवल त्योहारों के बारे में, क्यों मनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो भगवानों के बारे में हमें ज्ञात नहीं है और उनका मजाक बना देते हैं जो अनजाने में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, हर 10 दिन में एक वीडियो आएगी। तो जितने भी सनातन धर्म से और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी ग्रंथ की बात हो, हमारे पुराण की बात हो, या किसी भी भगवान के बारे में बातें हों, तो वो वीडियो हर 10 दिन में उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते रहेंगे। भैया एक सेकेंड, मैं कह रहा था ऐसे तो हमारे बहुत सारे भगवान हैं, ऐसे तो हम लाइफ टाइम वीडियो बनाते रह जाएंगे, हमारे तो ऑलमोस्ट देवी देवता है 3 करोड़ से ऊपर है। 3 करोड़ नहीं, 33 करोड़ से ऊपर है। सॉरी, मैं तो 3 करोड़ में भी चक्कर आ गया भाई, तूने तो तू तो 33 करोड़ बोल रहा है। हाँ, मेरे को पता चला कि 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। तेरे को सीरियसली मालूम नहीं? नहीं, क्यों? ऐसा गलत बोला क्या? शिट मैन, क्या हो क्या गया एक्चुअल में? चल श्लोक इसके बाद शुरू करते हैं, ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ आप सबके और स्पेशली तेरी। तूने 3 करोड़ बोला और फिर 33 करोड़ बोला है। चलो मैं 33 करोड़ से ही, जो मैं भी जानता हूँ, ये भ्रांति पता नहीं किसने फैलाई हुई है, या तो कुछ अज्ञान के कारण ये भ्रांति फैली हुई है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हिंदुओं के, असली प्रोनाउंसिएशन है जो हिंदी में है 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, पर हर वर्ड का मतलब उसकी लाइन के अनुसार चेंज होता रहता है। तो ये जिसने भी भ्रांतियाँ फैलाई हैं हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और बहुत सारी मूवीज़ में, फिल्मों में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि मजाक बना देते हैं, अबे 33 करोड़ देवी देवता हैं। भाई साहब ऐसा कतई नहीं है, हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता हैं। तो हमें ये भ्रांति लोगों में से दूर करनी चाहिए, 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। अब 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर तूने अच्छा याद दिलाया, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा संक्षेप में, 33 करोड़ देवी देवता हैं कैसे कैसे, किस तरह हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इन 33 कोटि देवी देवताओं वाला, जो 33 करोड़ देवी देवताओं वाली जो भ्रांति फैली हुई है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो संक्षेप में बताना पड़ेगा। चलो फिर भी श्लोक शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताया, और एक 2 लाइन और ऐड कर देता हूँ उसमें, कि जो 33 कोटि देवी देवता है ना, वो 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति, प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी को मिलाकर कुल 33 कोटि देवी देवताएं हैं। तो इसके ऊपर संक्षेप में वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया, 10 दिन में बनाऊंगा। और जो हमारी त्यौहार और फेस्टिवल और भगवानों को लेकर जो भी भ्रांतियाँ और भी फैली हुई हैं, इसको मैं कल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो वीडियो वो थोड़ी सी लंबी होगी, और जो जो कन्फ्यूज़न है त्यौहार और भगवानों को लेकर, काफ़ी हद तक मैं उनमें उस वीडियो में तीन से चार टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो में मैं कम से कम 3 से 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उस दिन श्लोक मैं नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 27 दिन हम श्लोक करेंगे, और महीने के 3 दिन हम यही भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं और जो अज्ञान फैला हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, सनातन धर्म के बारे में, सनातन भगवानों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हम कर चुके थे अध्याय 2 के श्लोक नंबर 16 तक,
अभी तक जो 16वें श्लोक में श्री कृष्ण ने बोला है कि जो भी असत्य चीज है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जो भी सत्य चीज है उसका अभाव नहीं है, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन दोनों उन्होंने ये दोनों चीज देखी हुई है, उन्हें इन दोनों चीजों का ज्ञान है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हुए श्लोक नंबर 17 की ओर। अविनाशी तू तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम विनाशम व्यवसायस्य न कश्चित् कर्तु मर्हति। इसका भावार्थ ये है कि नाश रहित तू उसको जान जिससे ये सारा संसार विद्यमान है, व्याप्त है। इस विनाश रहित को कोई भी विनाश करने में सामर्थ्य नहीं है, कोई भी इसको इसका विनाश नहीं कर सकता। तो कहने का सिंपल सा तात्पर्य यह है कि जो चीज सत्य है उस चीज का आधार है दुनिया में, वो है, और जो चीज असत्य है उसका कोई आधार ही नहीं है। जो ये आत्मा है वो विनाश रहित है, उसका कोई अंत नहीं कर सकता, और जो ये शरीर है उसका विनाश करने में उस चीज का कभी अंत हो नहीं सकता। कि आप किसी को मार दें, मतलब बेवजह किसी को ना मारे, पर जहाँ धर्म युद्ध की बात है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तू इनको मारता है तो इनकी आत्मा का कभी विनाश नहीं कर सकता, केवल इनकी देह का विनाश करेगा। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरण अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मादु ध्येयस्य भारत। इसका भावार्थ यह है कि इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। सिंपल भावार्थ है कि इस आत्मा के जितने भी ये सारे शरीर हैं ये तो नाश हो ही जाएंगे, ये तो नाशवान है, देह मरती है आत्मा नहीं मरती, इसलिए हे अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध कर। इसी के कंटिन्यूशन में बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। या एनम वेत्ति हंतारम यश्वेनम मन्यते हतम उभी तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो कि इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो कभी मरती है और ना कभी पैदा होती है। वही जो पहले श्लोकों में चल रहा है कि आत्मा का ना तो कभी अंत है और ना ही आत्मा का आदि है। जो लोग इसको समझते हैं ना कि आत्मा पैदा होती है और आत्मा मरती है, नहीं, आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी पैदा होती है, ये आदि है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसी के कंटिन्यूशन में बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 की ओर। न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोयम् पुराणो न हन्यते हन्यामानि शरीरे। इसका भावार्थ ये है कि यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मी है, अजय है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह कभी नहीं मरती है। इसका भावार्थ भी ऊपर वाले श्लोक के भावार्थ की तरह ही है कि यह आत्मा किसी भी काल में नहीं जन्म लेती, किसी भी काल में नहीं मरती, यह आत्मा बस शरीर बदलती है, अजय है, अमर है, सनातन है। सनातन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था इटरनल है, इटरनल है, पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह कभी नहीं मरती। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 21 की ओर। आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आज इसी चीज़ को कंटिन्यूशन में बोल रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा आज अजीब हो रहा है, गहराई से चीज़ें जा रही हैं,
आज मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं 21वां श्लोक भी करूंगा। हमेशा 4 श्लोक तक हम रुक जाते हैं, मन कर रहा है कि आगे बढ़े। श्लोक नंबर 21 है, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मन जय व्यन कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंति कमा। तो इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, जिसको मालूम है, जिसको ज्ञात है कि ये आत्मा अजन्मी है, अव्यय है, विनाश रहित है, वो कैसे किसको मार सकता है और कैसे किसको मरवा सकता है? समझे आप मेरी बात को? इसमें सिंपल सिंपल भावार्थ ये है कि जिस इंसान को, जिस मनुष्य को पता ही चल गया कि आत्मा अजन्मी है, अव्यय है, विनाश रहित है, उसको तो ज्ञात हो ही गया ना कि आत्मा अजन्मी विनाश रहित है, तो वह इंसान कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है? तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 22 की ओर।